वड़ा पाव बनाने के लिए पहले हम उसकी सूखी चटनी बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे मूंगफली और ये सूखा नारियल, दोनों बराबर बराबर लेना है आपको। ये सूखा नारियल और ये सूखी हुई लाल मिर्च, इन सब को हमको रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, इसको रोस्ट करने से पहले ग्राइंड कर लिए हैं हम। पहले मूंगफली को हम रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद इन सब को रोस्ट कर लेंगे। सूखे नारियल को हल्का ही रोस्ट करना है। सबको रोस्ट करने के बाद एक साथ में पीस लेना है आपको, और इस तरह से हो जाएगा। वड़ा पाव का सूखा चटनी तैयार है। अब हम वड़े के लिए तैयारी करेंगे। उसके लिए हम पहले बेसन लेंगे। बेसन से हम एक लीजाम बना लेंगे, जिसमें कि फिर हम आलू को लपेट के उसके बाद उसके वड़े बनाएंगे। बेसन में बेसन ले लिया हमने। बेसन में नमक डालेंगे और 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। इन सबको पहले सूखा मिला लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छे से मिल जाना चाहिए ये। इसको आप किसी चम्मच से या हाथ से भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाना है, और पतला नहीं करना है इसको। इस तरह से ये थिक रहना चाहिए। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह रहनी चाहिए। ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर नहीं होगा। इसी तरह रखना है इसको। हो गया। अब हम आलू की तैयारी कर लेंगे वड़े के लिए। उसमें हम तेल में डालेंगे ये अदरक कटा हुआ और हरी मिर्च। इसमें डालेंगे हम राई, सरसों और ये कड़ी पत्ते। इनको पहले हम थोड़ा सा टॉस कर लेंगे हल्का सा। जब ये हल्का सा हो जाए, ज़्यादा नहीं कर पकाना है इसको, एकदम बिल्कुल हल्का सा। अब इसमें हम डालेंगे आलू, उबले हुए आलू। इसको अच्छी तरीके से हमने जो है क्रश कर लिया है। इसमें आलू डाल देंगे। इसमें नमक स्वाद अनुसार, नमक आलू है, आलू में ज़्यादा नमक नहीं लगता है। इसको इस तरह से आप कर लें। इसको हल्का मिला के इस तरह से मिलाइए इसको अच्छी तरीके से। ये मध्यम आंच में करना है आपको, आंच को ज़्यादा नहीं रखना है। अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नींबू का रस। ये खटाई के लिए नहीं है, ये टेस्ट के लिए है। खट्टा आपको पता नहीं चलेगा बिल्कुल। अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, आलू पहले से बॉयल्ड है। इसको इस तरह से मिला के अब निकाल लेंगे। निकाल लिया है आलू को। अब ये बेसन का जो हमने लीजाम बनाया था उसमें
एक बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे और आधा बड़ा चम्मच तेल डाल के, गरम तेल है ये, इसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से इसमें। इस तरह से अच्छी तरीके से मिला लीजिए, देख लीजिए ज़्यादा पतला नहीं है ये। अब इस आलू से हम वड़े के लिए गोले बना लेंगे। आपको जितने बड़े वड़े चाहिए उसी हिसाब से आप कीजिए। इस तरह से गोले बना लेंगे हम आलू के। इसी तरह से सारे गोले तैयार कर लेंगे हम, देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह से करना है। सारे गोलों को तैयार कर लिया है हमने। अब इसको बेसन में हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरह से बेसन में इसको अच्छी तरह से तरीके से कोट करके उसके बाद आपको तेल में छोड़ना है, देख लीजिए इस तरीके से अच्छे से। इसे बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से लीजिए और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे तेल में छोड़ना है। तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं बेसन, क्योंकि हमने मोटा किया था। इस तरह से सबको आपको छोड़ देना है हल्के हाथ से तेल में। तुरंत हिलाना नहीं है आपको, आधे एक मिनट बाद हिलाना है इस तरह से, देखिए। और बिल्कुल सुनहरा होने तक इसको फ्राई कर लेना है इसी तरह, देख लीजिए। 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये सुनहरा हो चुका है। इसी तरह से आपको इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। नहीं, हो चुका है अब अच्छी तरीके से, ये फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे हम। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हुआ है। सारे वरों को हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसी बेसन में मिर्ची के पकौड़े भी बना सकते हैं और वड़ा पाव के साथ खा सकते हैं उसे। अब इसकी प्लेटिंग कर लेंगे हम। ये पाव को बीच से इस तरह से काट के फिर एक तरफ हम लगाएंगे ये हरी चटनी, किसी भी तरफ लगा सकते हैं आप। ये एक तरफ हरी चटनी लगाना है आपको और एक तरफ यह सूखी चटनी जिसको हमने बादाम और सूखे नारियल से बनाया था, और बीच में रखना है ये आपका वड़ा। वड़ा को थोड़ा सा इस तरह से दाब लीजिए। ये हमारा वड़ा पाव तैयार। आप चाहें तो इसे सिर्फ सूखी चटनी के साथ भी खा सकते हैं इस तरह से। सिर्फ इस तरह से आपको सूखी चटनी डालना है और ये वड़ा आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं सिर्फ सूखी चटनी के साथ। ऊपर से ये थोड़ा सा चटनी, ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा वड़ा पाव। आप इस तरह से इसे एंजॉय कर सकते हैं। वड़ा पाव तैयार है बिल्कुल।